बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे सब खैरियत से हों। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिजाइनिंग के साथ है। आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ड्रेस को। ये देखें, ये जो है एक फॉल वाली फ्रॉक है, ये बैन के साथ बनाई गई है। इसके ऊपर ये छोटी सी पट्टी जो है वो ब्लैक कलर की ऊपर रखकर लगाई गई है बैन के। और इसकी नेक ये आप देख लें कि कट वाली है, ऊपर से कट है हल्का सा, और नीचे जो है वो इसके लूप बटन लगाए गए हैं। क्रिस्टल के बटन हैं इसके, आप चाहें तो साथ के फैब्रिक के भी लगा सकते हैं। और इस तरह से ये नीचे से फिनिशिंग के साथ बनाई गई है। और 6 7 8 9 10 11 12 बटन हैं इसके टोटल, आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं। ये कलियों वाली फ्रॉक है, ऊपर से ये तकरीबन 4 4 फिंगर्स की कलियाँ हैं इसमें, और ये 3 एक साइड पे हैं, 3 दूसरी साइड पे हैं, 6, और दरमियान में एक कली है, यानी कि 7 कलियों वाली फ्रॉक है ये। तकरीबन ऊपर से 6 फिंगर्स हैं हर कली की, और साइड्स वाली जो हैं वो 4 4 फिंगर्स हैं। 3 एक साइड पे हैं और 3 दूसरी साइड पे, एक दरमियान में है जिस पर बटन है उसको दरमियान में कट लगा के। नीचे से देखें इसका कितना फॉल है, ऑल ओवर प्रिंट है इसका। और नीचे से इसकी जो है कलियाँ हैं तकरीबन उनकी विड्थ 8 इंच तक है एक कली की, और ऊपर से इसकी जो है वो मेजर कर लेते हैं कि कितनी है इसकी। मेजरमेंट में 3 इंच है एक कली की इसकी विड्थ, और बाजू इसके जो हैं वो बॉर्डर में हैं, ऊपर से फुल फिटेड हैं और सामने से थोड़े से स्ट्रेट टू बेल हैं। टसल के साथ इसकी डिज़ाइनिंग की गई है प्लेन फैब्रिक के साथ, अंदर से फिनिशिंग के साथ इसको अटैच कर दिया गया है, और इसको फ्रंट से जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक इसकी फोल्ड कर दिया गया है। टसल्स के साथ इसकी चुनर्स भी लगाई जा सकती हैं जितनी भी आप लगाना चाहें। दो दो लटकन हैं इसके बनाए गए आगे थोड़े थोड़े फासले पर। दोनों कलर यूज़ किए गए हैं इसमें, ऑरेंज एंड मैरून। समर के लिए तो परफेक्ट है ये स्टाइल, आप विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग इस तरह की फ्रॉक पसंद करते हैं, ये नीचे बिल्कुल बारीक 1 सेंटीमीटर की जो है ब्लैक पट्टी लगाई गई है फ्रंट और बैक पर, और इसकी फॉल देखें आप ऊपर और नीचे से, बैक से भी इसी तरह से कलियाँ लगाई गई हैं इसकी। बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये। नेक्स्ट टेक्स हमारा जो है वो भी ऑल ओवर प्रिंट में है। ये बहुत कूल सा कलर है, स्काई ब्लू और ग्रीन सा मिक्स सा कलर है ये। ये भी बिल्कुल सिंपल है, नीचे से थोड़ी सी इसकी फॉल लुक में है ए लाइन स्टाइल में, और सिंपल सी शर्ट है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इसमें जो है चारों साइड्स पे, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, दामन पे लेस लगाई गई है, छोटी छोटी चिकन लेस है, और बाजू के आगे भी ये लगा दी गई है। इसकी नेक जो है वो राउंड में है, और बड़ा खूबसूरत सा स्टाइल बनाया गया है इस पर, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सिर्फ जो है डोरी वो लगा दी गई है और एक कट रखा है छोटा सा, बाकी राउंड नेक की है, लेकिन इससे बहुत ही खूबसूरत जो है लुक है। ये 4 फिंगर तकरीबन 3 और 4 इंचीस का जो है ये कट है, यहाँ से डोरी लगा कर बीड्स लगा दिए गए हैं तीन तीन थोड़े थोड़े फासले पर, और डबल नॉट लगा दी गई है इसमें दोनों साइड्स पर। ये 4 नॉट्स और 4 टाइम ही बीड्स लगाए गए हैं। ये इसकी ओवरलुक देख सकते हैं आप लोग। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र प्लेन सेमी कलर में है, और इसके नीचे भी लेस अटैच की गई है। इसकी ऊपर वाली साइड पे चौक रखा गया है और 2 बटन अटैच किए गए हैं, इस तरह से इतना सा छोटा सा चौक रखा गया है ताकि ईजीली पहना जा सके। पैंट ट्राउज़र है ये कैप्री स्टाइल में, जिसके ऊपर भी सिलाई आती है, और इसकी नेफा देखिए इस तरह से बनाया गया है कि दोनों साइड्स पर जिस साइड पे पैनल्स हैं उस साइड पर ये चुनट्स लगा दी गई हैं, और दरमियान में मैने वाली जगह पर सिंपल ही स्टिच किया गया है। नेक्स्ट टेस्ट हमारा बहुत ही खूबसूरत सा कलर कम्बिनेशन है, लाइट पिंक और मेरून कलर की। इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है नीचे पैनल पर, टिशू का पैनल है ये, और इस पर ये एम्ब्रॉयडरी है, और साथ में हमने इसकी बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करवाई है। ये इसके आर्म्स पर भी ये प्रिंटेड है, और चिकनकारी का इसके दामन पर काम हुआ हुआ है। इस तरह से हमने इसकी पाइपिंग करवाई है, और पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलटे के साथ हमने फ्रंट और बैक पर करवाई है, और नीचे यहाँ पर हमने बाजुओं पर और नीचे दामन पर ये फ्लावर्स अटैच कर दिए हैं फैब्रिक के, और साथ में एक बीट, और दरमियान में यहाँ पर कट लगाया है, यहाँ पर भी पाइपिंग की गई है,
और इसके फ्रंट नेक नेक जो है वो बिल्कुल ही सिंपल रखी है क्यूट शेप में, और ये बीड्स ऊपर थोड़े थोड़े फासले पर अटैच कर दिए हैं। इसमें हमने बैक नेक पे भी डिज़ाइनिंग की है और इस तरह से बीड्स के साथ एक होल रखा है, और ऊपर फिटिंग के लिए हमने ये टसल्स भी अटैच किए हैं, और जिप है ये रखी गई इस तरह से, ये जिप लगाई है। और ये टसल जो बनाए गए हैं ये थ्रेड और फैब्रिक से और बीड्स के साथ बनाए गए हैं, और इसका ट्राउज़र है स्लिम फिट, और इस पर भी इस तरह से बीड्स लगाए हैं हमने, दोनों पैंचों पर पांच पांच बीड्स हैं। और इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत कलर में है, मैरून और ग्रे कलर है इसमें। हमने इस तरह से बीड्स वाली पिको करवाई है क्योंकि शर्ट में भी मोस्टली मोतियों का काम है, तो दुपट्टे पर भी हमने बीड्स लगवाए हैं। ये इसके आर्म्स देख लें आप, क्लोथ में दोबारा दिखा रही हूँ ताकि अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इस तरह की डिज़ाइनिंग करवाना चाहें तो ले सकें। ये इसकी फिनिशिंग देखें, इसके दामन की और पलटे की नीचे, ये इसकी बैक साइड है। अभी मैं आपको इसकी फुल फाइनल ओवरलुक दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आपने फीडबैक ज़रूर देना है हमें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और लाइक करना भी नहीं भूलना। तो अगर आपको पसंद आती हैं ये हमारी वीडियोस तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, ये इसकी ओवर लुक है फाइनल ड्रेस की। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट ड्रेस हमारा वो भी बहुत प्यारा सा कलर है, ये बॉर्डर में है, ब्लैक और वाइट पट्टी है यहाँ पर, और साथ में मेहंदी ग्रीन यहाँ पर, ये अलग से ये अटैच हुआ है साइड पर। जो हमारा बॉर्डर था फ्रंट और बैक में सेम ऐसे ही है, और नीचे भी ब्लैक की लाइंस हैं वाइट के साथ, पर अच्छा कलर कम्बिनेशन है। बाजुओं पर भी इसी तरह है, बॉर्डर थोड़ा डिफरेंट है। नीचे हमने सिर्फ पलटे में एक पट्टी लगाई है जो ऊपर ऑरेंज कलर में जो हमारी शर्ट में आ रहा है, और जस्ट फोल्ड किया है साइड से, और नीचे भी हमने ग्रीन पट्टी ही लगाई है पलटे के साथ। और इसकी नेक बैन वाली है, और बैक से भी बिल्कुल सिंपल है। अब पहले की तरह डिज़ाइनिंग नहीं होती कि दामन पर भी, बाजुओं पर भी, गले पर हर जगह डिज़ाइनिंग हो, अब जस्ट गला प्यारा सा बना दिया जाता है। इसकी नेक को ये देखें करीब से, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पट्टी लगाई है ऊपर नीचे, और छोटे छोटे मोती और सितारे साइडों पर उसके जो हैं वो लगा दिए गए हैं, फिरोजी कलर के यहाँ पर मोती अटैच किए हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी ट्राइंगल वाले फ्लावर्स हमारी शर्ट में हैं फिरोजी कलर के। और ये 3 4 5 6 7 8 आठ अदद हैं ये अटैच किए हैं। नीचे भी हमने ग्रे पट्टी अटैच की है इसकी नेक पर, और सिंपल यहाँ पर हुक लगा दी गई है। जैकार्ड में है ये शर्ट, और इसकी आप साथ में ट्राउज़र भी देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत है। इसकी नेक की मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इस साइज में बनाना चाहें, हाफ ये 6 इंच है और फुल जो है ये 12 इंच तक रखी गई है। और अब इसका प्लाजो देखें, प्लाजो पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है, ऊपर से स्लिम फिट है नीचे से, बट काफ़ी ये खुला है, प्लाजो स्टाइल में है। इसका फ्रंट का जो पैनल है वो 1 इंच तक तकरीबन छोटा रखा गया है यहाँ पर जोड़ है। और इसकी डिज़ाइनिंग देखें, ऊपर 3 प्लेट्स लगाए हैं, और यहाँ पर नेट की जो है वो लेस लगाई है बड़ी खूबसूरती से, और इस तरह से इसके डबल कट वर्क रखा गया है नीचे। ये खुद भी बनाया जा सकता है कट वर्क मशीन से घर पे, और ये यहाँ पर जो है वो कट वर्क वाली मशीन होती है जो कढ़ाई वाली, उससे एम्ब्रॉयडरी करवा कर कट वर्क कर बनवाया गया है। यहाँ पर 2 प्लेट्स लगाए गए हैं इसलिए फिटिंग में है। ये नेक्स्ट ड्रेस भी हमारा बहुत खूबसूरत है, नेक लाइन इसकी एम्ब्रॉयडर्ड है, एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी है, और छोटे छोटे बीड्स के साथ इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है, 6 अदद इसके ऊपर बीड्स लगाए गए हैं, और आगे भी इस तरह पलटे के साथ डोरी पाइपिंग की गई है और मोती लगाए गए हैं। नीचे भी ये इसी तरह हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड पैनल था वो अटैच किया है टिशू फैब्रिक पर। ये सेम ड्रेस है, ये ग्रे और पिंक, ग्रे और फिरोजी कम्बिनेशन है, और पिंक और मैरून था ये। इसका दुपट्टे में भी वही कलर्स हैं, और इसकी भी मोतियों वाली जो है पीको करवाई है। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले हम इसका प्लाजो आपको ज़रूर दिखाएंगे जो बहुत खूबसूरत है, और नीचे इस तरह की ये लेस लगाई है, सिंपल सी लेस है, और ये ऊपर इससे ये भी स्लिम फिटिंग में है और नीचे से काफ़ी खुला है। तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।